नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी के अंदर गर्मी का अकाल पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार जो कहती थी कि दिल्ली की जनता को पानी की कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी दिल्ली की जनता की पुकार नहीं सुन रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को पहले ही पता था कि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी पता नहीं कौन सी नींद में सो रही है और दिल्ली की जनता पानी के लिए प्रार्थना कर रही है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज़ पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, वहाँ गए थे। वहाँ एक स्कॉडा सिस्टम लगा है, हरियाणा के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है, जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहाँ से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ, पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूएस पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूएस पानी, 350 क्यूएस पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जा कर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब कल जो इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये का चालान लगाएंगे, 2000 रुपये का चालान नहीं है, अब ये टैंकर माफिया को बढ़ाएंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होगी और हर गाड़ी के चक्कर के जो पैसे बचेंगे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी और नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। तो दिल्ली सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे और दिल्ली की आवाज उठाएंगे। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने आगे और क्या कुछ कहा। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।